उन्नाव सांसद साक्षी महाराज के फिर बिगड़े बोल, राहुल गांधी को कहा पागल, ऐसे पागल व्यक्ति क्या कहूँ जिनको राजनीति की ABCD नहीं मालूम। कल राहुल गांधी ने किसानों पर एक किताब की है जारी, किसान आंदोलन पर कहा कि ये लोग किसान नहीं हैं, वहीं किसान मोदी विरोधी नहीं हैं। ये विरोध प्रदर्शन कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाला है। ये विरोध 3 तलाक कानून का, ये मामला 370 का है, मामला 335A का है, मामला राम मंदिर का है। को नमन करने के लिए, श्रद्धा के समर्पित करने के लिए, उस बहाने से और भी शहीदों को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त किया, जनता का उद्बोधन किया, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें, अपने वचनों से ऐसा कहने का मैंने भरसक प्रयास किया। सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर काबू कानून कब बनाएगी, कब तक आएगा ये कानून? कम से कम 1/3 सांसदों ने सरकार को लिख के दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंगित किया है, मनसा भी है, कई चैनल वाले भी लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि देश की स्थिति को देखते हुए जमीन थोड़ी होती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तो सरकार को यथाशीघ्र एक कड़ा कानून लाना चाहिए, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। खेती का खून, 3 काले कानून, राहुल गांधी ने किसान कानूनों के मामले पर एक किताब को जारी किया, इस पर क्या कहेंगे आप? जो व्यक्ति राजनीतिक ABCD नहीं जानता, ऐसे पागल व्यक्ति के शब्दों का, प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं दे सकता। मोदी से बड़ा किसानों का भक्त कोई हो नहीं सकता। किसानों ने आंदोलन नहीं किया था, हम 6,000 रुपया सालाना फटाक से किसान के खाते में डाल रहे हैं, किसानों ने आंदोलन नहीं किया था, उसके बावजूद भी हम किसान का अगर 33% भी खेती नुकसान होगा तो हम उसको मुआवजा देने वाले हैं। कहाँ आंदोलन हुआ था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस देश में सांसद निधि थी, विधायक निधि थी, प्रधान की निधि भी थी, पर किसानों का तो सम्मान कुछ था ही नहीं। ये किसानों का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, तो नरेंद्र भाई मोदी और भाजपा ही किसानों की सच्ची हितैषी है। अगर राहुल गांधी, उनके कुनबा खानदान के लोग जो 65 साल तक सत्ता में बैठे रहे, अगर वो किसानों के हितैषी थे तो ये 6,000 रुपया उन्होंने देने का काम क्यों नहीं किया? किसी ने हाथ पकड़ लिए थे? किसी ने रोका था क्या? वो किसानों को सम्मान के रूप में 6,000 रुपया साल का, क्या वो 10,000 रुपया साल के कर सकते थे? पर वो केवल बातें करते हैं, बातों की राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। किसानों के हितैषी नरेंद्र भाई मोदी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप पीछे कैमरा घुमा के देखेंगे, ये सब किसान हैं, एक भी आंदोलित नहीं है, किसान आंदोलित नहीं है। जो आंदोलित हैं वो प्रायोजित हैं। मामला क्या है अब मैं मीडिया के सामने बोल नहीं सकता, पर किसान की बात पूछना है तो जरा कैमरा उधर घुमाइए, यहाँ चारों तरफ आलू की खेती देखिए। किसान हिंदुस्तान में एक भी आंदोलित नहीं है, किसान मोदी के जय जयकार कर रहा है। कुछ लोगों की मिट्टी पैरों की खसक गई है, इसलिए वो मोदी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और सही माने में मामला किसान बिल का नहीं है, मामला 3 तलाक का है, मामला 370 का है, 35A का है, अयोध्या के मंदिर का है, NRC का है, CA का है, मामला कुछ और है। निगाह कहीं है, निशाना कहीं है, बस वो सारा का सारा मामला। यूपी के एक दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह का कहना है कि तांडव सीरीज बनाने वाले मुंह पर काली पोतनी चाहिए, कितना सहमत है आप? और कालिक फालिक तो मैं नहीं जानता, कालिक तो पुती गई, लेकिन उनके केस हो गया, सजा होनी चाहिए। चलिए।